बताया भाई जश्न मना रहे बच्चे, बड़ा शोर मचाया बच्चों ने, बाजे बताया, मैंने भी बच्चे से ही बाजा लिया है, मैं जरा मैं भी बजाऊं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीत से होंगे, मज़े में होंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सो गाइस, आज का दिन बड़ा स्पेशल है और बहुत ही ख़ास दिन है बहुत सारे लोगों के लिए, पूरी कंट्री के लिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त वो दिन है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। देख सकते हैं आज भी मैंने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी है और आज 14 अगस्त का दिन है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा वतन आज़ाद हुआ और इस वतन में हमारे हर खून का कतरा कुर्बान। मेरी तरफ से ऑल पाकिस्तानियों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। ए वतन तुझ पे कुर्बान हो जाए, हर कतरे को तुझ पे निसार कर दे। आज का दिन बहुत ही खास है और यकीन करो बहुत खुशी है दिल से अपने वतन, अपनी जान जैसे वतन पे कुर्बान होने के लिए अपने वतन को दिल जान से चाहता हूँ मैं। सो गाइस, आज तबीयत थोड़ी सी बुखार वार हो रहा है, गला भी ख़राब है बहुत, पर कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा बाहर जाएं, बाहर का माहौल दिखाएं और बड़ा ज़बरदस्त बाहर बच्चों ने माहौल बनाया है, बाजे उठाए हुए हैं, टन अटन पाँ 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 बजा रहे, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सा। और मैं तो अभी थोड़ा सा लेट उठा क्योंकि मेरी तबीयत सही थी, बुखार आया हुआ था, पर यह कि आज बच्चों ने बड़े ज़बरदस्ती से लोग मना रहे 14 अगस्त और रात में बड़ी दीवा मतलब पटाखे वगैरह फटे और बहुत लोगों ने जश्न मनाया क्योंकि वतन है, वतन आज़ाद हुआ, कैसे खुश ना हो अपना वतन। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, खुशी से ना मेरा दिल ऐसा हो रहा है, पर मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों की भी एक्टिंग, बच्चे क्या करें बाहर। तो गाइस, जैसे बताया भाई जश्न मना रहे बच्चे, बड़ा शोर मचाया बच्चों ने, बाजे बताए, मैंने भी बच्चे से ही बाजा लिया है, मैंने जरा मैं भी बजाऊँ। ये लो, ये देखिए बच्चों को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। बच्चों को हमारे लिए बोलते हैं शोर कर रहे हैं, पर बच्चों को ये होता है कि बच्चे इंजॉय करते हैं मौसम को। हाँ हाँ, ये आवाज़ फिर बंद हो गई। बच्चों ने सही शोर मचाया हुआ है, सबने 14 अगस्त की शर्टें पहनी है, लेके बाजा थोड़ा शोर लगाया और बड़ा मज़ा आया। अभी हम थोड़ा हल्का हल्का खा लेते हैं, आज खाली ग्रेप्स और ये एप्पल लूँगा नाश्ते में क्योंकि तबीयत जैसे आपको बताया थोड़ी तबीयत सही है, 2-3 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं है, बुखार आ रहा है, गले में दर्द हो रहा है। डॉक्टर दिखाया हमें, डॉक्टर बोल रहे कि मौसम की चेंजिंग है, एक हफ्ता हो गया बादल आई नहीं, धूल आई नहीं, बादल हैं और हब से और बारिश का मौसम बना हुआ है, इस वजह से गाइस। पर आज कुछ करेंगे, इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, आज के व्लॉग इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आप लोग देखें आपको मज़ा आए। बस कर दो यार, ये बार बच्चे बजा रहे हैं टन टन बाजे, बस कुछ नहीं बोल सकते बच्चे यार, खुशी के दिन है, बहुत बड़ा दिन, अजीम दिन है आज, अजीम दिन, अजीम दिनों में अजीम दिन है आज 14 अगस्त। एक वो पॉइंट चल रहा था, वो मैंने देखा था, ये ऑल आवर रेडियो इंडिया लाहौर, 13 अगस्त 1947 जब रात के 12 बजते फिर होता है, ऑल आवर रेडियो पाकिस्तान लाहौर 1947 14 अगस्त, आपको पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। क्या डायलॉग सुन लिया, सब दिल में ना ऐसा खुशी से होता है। पर चलो सो कैसे भी नाश्ता वगैरह कर, कितना करो ना, कितना जितना भी है भी, क्योंकि आज 1 किलो से ज़्यादा ही होगा। कीमा करवाना है और तंदूरी मसाला, और तंदूरी मसाला और दो नूडल्स और प्याज, अगर 40 रुपये 50 रुपये मिल के 2 किलो प्याज ले आना, 2 किलो प्याज, सरों का बाल, बालों का तेल बनाना। ओके माँ। सो गाइस, जैसे कि हुक्म मिल चुका है घर से, वालदा की तरफ से कीमा करवाना है और प्याज लेना है, नूडल्स लेने हैं और क्या था, तंदूरी मसाला। सो गाइस, आज तुम्हारे भाई की फरमाइश पूरी जा रही है, दम वाला कीमा खाएंगे आज। और गाइस, अभी निकल रहा हूँ ये सामान वगैरह कीमा वगैरह करवाते हैं और फिर थोड़ा सा आपको बैक व्यू दिखाते हैं, जहाँ शुगर लगा रहा होगा बच्चे पाँप 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 कर रहे हैं, आपको दिखाएँगे। थोड़ा सौदा ले, इतना रश लगा है बच्चों ने, सब बाजार में ऐसा लग रहा है कि ईद का दिन है और बड़ा शुगर आया बच्चों ने,
बाजे ये वो सॉन्ग चल रहे हैं वतन के नगमे, बड़ा इंजॉय फील हो रहा है। और आपका भाई भी पूरी तरह 14 अगस्त मना रहा है, पर एक दिल ये कर रहा है कि मेरा कि मैं थोड़ा शलवार कमीज पहनूँ। आज 14 अगस्त से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना कौमी लिबास पहनूँ, शलवार कमीज़। सो अभी हो सकता है मैं चेंज करके शलवार कमीज़ पहन लूँ कि कौमी लिबास ही पहनूँ आज के दिन के, आज हमारा वतन आज़ाद हुआ था। सो गाइज़ अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लग रही है भूख, साथ साथ नूडल्स भी बनाते हैं, फिर आपसे गपशप भी लगाते हैं। जैसे कि चूल्हे जब चुका है और ये दोनों नूडल्स पानी डाल लूँ। मसाला भी डाल दूँ, गैस मसाला कट करते हैं अभी नहीं। तो गाइस ये नूडल्स में डाल दिए हैं पानी में, और अब इसको चढ़ा देते हैं पतीली पे, आग पे। ये हमने रख दिए हैं आग पे, ये रख दिए हैं, और अब तकरीबन इसको यहाँ से 10 मिनट लगेंगे पकने में। साथ साथ ये घर वालों ने मैरिनेट कर लिया है, जैसे कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक। आप पिछले ब्लॉग्स में देखेंगे तो मैंने कोई फरमाइश की थी घर पर, तो फरमाइश आपकी भाई की पूरी हो गई। दम वाला कीमा मैरिनेट हो चुका है, आज शाम में खाएँगे दम वाला कीमा। सो गाइस दम वाले कीमा खाएंगे, और साथ में भी आपके भाई ने नूडल्स चढ़ा दिए। वो कीमा तो रात में खाएंगे, अभी थोड़ी मिलेगा, अभी थोड़ी बना के देंगे घर वाले, अभी मैरिनेट किया ये वो रात तक बनेगा। अभी नूडल्स खा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा भूख लग रहा है। असल मैं क्यों खा रहा हूँ नूडल्स, खाना क्यों खा रहा, क्योंकि आज हमने जाना है अपने कज़न के घर, वहाँ हमारी दावत है, उनके घर जा रहे हैं लंच पे। अभी बस निकलने वाले हैं, बस अभी जाते हैं, बस नूडल्स वूडल्स खा के थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लेना, अगर हमारे एकदम भूख नहीं लगी। बोले लाओ खाना दो, भूख लगी है हमें खाना दो, वो बोलेंगे यार अभी तो आए और खाना मांगने लग गए। सो थोड़ी देर बाद वहाँ जाके बैठेंगे, थोड़ा गपशप लगाएंगे, जी कैसे हैं आप ये वो, उसके बाद समझ लो ना फिर। सो गाइस एक मसला जिसको कहते हैं नौ मसला, पर मसला लाइट जा चुकी है, और आपके भाई के बेहतरीन नूडल्स तैयार हो चुके हैं। अब नूडल्स खाते हैं और साथ में लाइट के आने का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अपने मामू के घर, मामू के घर जा रहे हैं। बस फिर वहाँ जाके थोड़ा मस्ती फन करेंगे कज़नों के साथ। ये देखो गाइज, मैंने हाथ तभी पाकिस्तान का झंडा छपाया, पर अभी थोड़ा सा धुल गया है, मैं वॉश किया, मैंने अपने नहाया ना तो ये थोड़ा सा वॉश हो गया, बाकी सीने में छपा है ये तो सीने में। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं चाह रहा हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन सुबह 14 अगस्त की शर्ट तो पहनी है, पर अपना कौमी लिबास अपना शलवार कमीज पहनूँ, क्योंकि आज हमारा वतन आज़ाद हुआ था, और आज का जो लिबास है कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। सो आपके भाई ने शलवार कमीज़ पहन ली है, देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है आपका भाई, कमेंट में ज़रूर बताया करेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ। अब जा रहे हैं हम लोग मामू के घर, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने, दिन को और अच्छा बनाने। सो गाइज आप लोग इधर ही घर में रहिए, घर की रखवाली कीजिए, देखिए कोई चोरी शकोरी ना हो, सही है, आके दिहाड़ी दूंगा। उठ भाई सुबह हो गई है, सोने दे मुझे, तंग मत कर। सो गाइज आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है, तकरीबन एक हफ्ते बाद, और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है धूप निकली। अब सारे जरासीम मर जाएंगे, और आपके भाई की सेवनडी तैयार है सफ़र के लिए। अगर मैं आपको दो ही चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, ये हैं हमारे बच्चे। मैं कौन हूँ, कौन से चाचू? नहीं आसिन चाचू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। और आपका? हाय बोलो। फिर बाय बोलो। बाय। टाटा बोलो। टाटा। आपको पता है कि शाम हो चुकी है, और मामू के घर से मैं वापस आ चुका हूँ, इंजॉय करके सारा आज का जो हमारा वहाँ पे लंच था। उसके बाद शाम को मैं क्या करता हूँ, सारे ब्लॉग्स में देखते हैं, जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले, कि यहाँ तो देखेगा देखेगा। शाम का टाइम होता है मेरा वॉकिंग टाइम, और अब मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया है, ट्राउज़र शर्ट पहन ली है, और अब जाएंगे वॉक करने। वॉक करेंगे, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। चलो थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं। आपका भाई ट्रैक पे पहुंच चुका है और वॉक स्टार्ट कर दी है। हमेशा की तरह मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी कीमती ज़िंदगी में से, कीमती वक्त में से सिर्फ 20 मिनट्स अपने निकालें अपनी सेहत के लिए, और वॉक करें। ज़िंदगी का या कोई भी ऐसा मौका हो जब इम्पॉसिबल हो, आप कहीं गए वो अलग बात है, वैसे कोई भी ऐसे इवेंट हो, बट 20 मिनट्स अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालो वॉक करने के लिए।
उसके बाद बेशक आप इंजॉयमेंट करो, कुछ भी करो। सो मैं अपने रूटीन के मुताबिक पहुंच चुका हूं वर्क करने। के मौके में टैंक को हमारे जवान उड़ाते हुए रेडी हैं। सारे बच्चे टैंक के ऊपर चढ़ चुके हैं और टैंक भी रेडी है। आपको पता है अपनी फरमाइश पे दम वाला कीमा बनवाया था स्पेशल, वो दम वाला कीमा तैयार हो चुका है, जिसकी दो दिन पहले व्लॉग में फरमाइश की थी, घर वाले बना दिया है। सो बन चुका है, आपको दिखाता हूँ। दम वाला कीमा तैयार है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का तरतराता हुआ। उसके बाद ये कुछ स्पेशल टाइप सालन भी बनाया है, ये कुछ गोश्त की कतरी है, पतनी आलू की कतरी, कुछ टाइप इसको चेक करते हैं। अभी साथ में रोटी है, खाते हैं गाइस, एंजॉय करते हैं अपने कीमे को। आज का व्लॉग यहाँ पे डी एंड करने जा रहा हूँ। एक बार फिर मैं आपको इंडिपेंडेंस डे कहता हूँ 14 अगस्त। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा गाइस। सो गाइस कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, नई सुबह और नए सूरज के साथ। अल्लाह हाफिज़।